फ्रेंड्स, मसालों का ये अरोमा, ये खुशबू अगर आपकी नाक तक पहुंच जाए ना, तो आपको भूख भी नहीं होगी तो भी आपका खाने का मन हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मसालों की, क्योंकि मसाले हर रेसिपी की जान होते हैं और किचन की शान होते हैं, क्योंकि हमारे किचन में हर डिश के लिए अलग अलग मसालों का यूज़ किया जाता है। जैसे कि छोले के लिए अलग मसाला, सांभर के लिए अलग मसाला और राजमा के लिए अलग मसाला। तभी तो दुनिया में हमारे देश को लैंड ऑफ स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। और सिर्फ खाने में ही नहीं, हम प्रोडक्शन में भी नंबर वन हैं। और इन मसालों की वजह से हमारे देश में हर स्टेट का फूड फेमस है, चाहे वो पंजाब के छोले हो, महाराष्ट्र का कोल्हापुरी तड़का हो, या फिर गुजरात के उंधियों का तो कहना ही क्या है। तो फ्रेंड्स, ये मसाले हमारे खाने के जायके को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में हमारी बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर संतुलित मात्रा में इनका उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट से हम बहुत सारे मसाले परचेस करके लाते हैं और किचन में यूज़ करते हैं, तो वो सारे मसाले आप फ्रेश और एकदम प्योर घर पर भी बना सकते हैं। और ये मसाले जब आप फ्रेश और प्योर यूज़ करेंगे तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ किचन में ज़्यादातर यूज़ होने वाला गरम मसाला, वो आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 150 ग्राम धनिया, 100 ग्राम जीरा और 50 ग्राम शाह जीरा, 50 ग्राम सौंफ, एक टुकड़ा सौंठ, एक जायफल, 7-8 तेज पत्ते, 4 बड़ी इलायची, 2 जावित्री, 8-10 छोटी हरी इलायची, 8-10 लौंग, 5-6 स्टिक्स मैंने दालचीनी के लिए हैं और 2 चक्री फूल और 15-20 नग मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ली है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप बहुत सारी वैरायटीज़ के मसाले बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मसालों का बेस होती है और मसाला बनाते समय कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जब हम इन्हें भूनते हैं तो परफेक्ट टेम्परेचर पर इन्हें भून कर लेना है। इन्हें भूनने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इनके अंदर जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो आने लगे और परफेक्ट तरीके से इन्हें आपको ग्राइंड कर लेना है। आपको गैस बहुत ज़्यादा तेज करके इन्हें नहीं भूनना है और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इनका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, गैस पर इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं इनको माइक्रोवेव में कैसे रोस्ट करना है वो आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह से मैंने क्रस्टी प्लेट में सारे मसालों को रख लिया है और हम माइक्रोवेव के गरम मसाला फंक्शन में इन्हें रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप गैस पर करना चाहते हैं, अलग अलग इन चीज़ों को भून लीजिए। और माइक्रोवेव का ये मसाला फंक्शन आजकल के जेनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माइक्रोवेव में इन मसालों को आपको बार बार चलाना भी नहीं होता है और जलने का भी डर नहीं होता है। माइक्रोवेव टाइम और टेम्परेचर खुद ही सिलेक्ट कर लेता है इन चीज़ों के लिए। तो हाई रैक के ऊपर हम ये प्लेट को प्लेस कर देंगे और मसाला फंक्शन में जाएंगे। 1 और 1 नंबर पर ही गरम मसाला है। मसाला बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, नॉब से आप इसको ओके करेंगे और इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 आ गया है। फिर से इसे ओके करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 6 मिनट का टाइम माइक्रोवेव ने मसालों को रोस्ट होने के लिए ले लिया है। और इस तरह से माइक्रोवेव जैसे ये बीच में बंद होता है और बीप देता है, हम मसालों को निकाल कर थोड़ा स्टर कर देंगे। इस तरह से मसालों को थोड़ा सा स्टर कर देंगे। कंटिन्यू आपको स्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बीच में माइक्रोवेव बीप देता है तो सिर्फ एक बार ही आपको मसालों को स्टर कर देना है और इनसे काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। और बाकी का जो टाइम बचा है हम माइक्रोवेव को स्टार्ट कर देंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इन सारे मसालों का इफ़ेक्ट, कहीं से भी कोई भी चीज़ जली भी नहीं है, इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा आया है। और जैसे ही ये रोस्ट होते हैं पूरा घर इनकी खुशबू से महक जाता है। एकदम परफेक्ट ये मसाले अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं।
इनकी खनखनाहट से ही आप समझ सकते हैं। और अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं और बारीक पीस कर और इन्हें छान कर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे और कोई भी सब्जी में इसे फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने मसाले को बारीक छान लिया है और अब इसे हम एयर टाइट जार में भर के रख लेंगे। बिल्कुल 100% प्योर और काफ़ी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बनाइए और कैसा बना है मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।